हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में दो स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बातें होंगी दोनों केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं देखिए केमिकल सेक्टर में एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है आपने देखा ही होगा मोस्टली पांच परसेंट दस परसेंट डेली यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं दो परसेंट डेली गिरावट उनमें होती हुई नजर आ रही है तो ये दो शेयर भी यहाँ पर थोड़े बहुत गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इन दो शेयरों पे बैट लगाने का रीजन ये है कि आपको स्विंग ट्रेड में तो पैसा बनेंगे ही बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में भी पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो अगर ये मार्केट जैसे कि कुछ दिनों में अगर बॉटम बना लेती है और बॉटम बनाने के जब भागना शुरू करेगी तो ये स्टॉक आपको 20 से 30 परसेंट के रिटर्न तीन महीने के अंदर अंदर दे देंगे ओके और रिजल्ट आने वाले अगेन तो रिजल्ट से पहले ये अपना मूव दिखा के आपको अच्छे खासे पैसे यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और वीडियो जितनी हो सके लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है जितना हो सके हमें सपोर्ट करना है और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको फौरन तौर पर वीडियो यहाँ पर मिले और अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है दीज आर द पर्टिकुलर नंबर्स जहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने आपको केमिकल स्टॉक से बत, के बारे में बताया तो सबसे पहले जिस स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है एम फिल्म मतलब मेघमानी फिन ये

ती हुई नजर आती है इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगा देखिए फोर्थ लार्जेस्ट मैनुफेक्चर ऑफ क्लोर एल्कलीज में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है क्लोर एल्कलीज हो गया डेरिवेटिव हो गया एज well यहाँ पर हाइड्रो uh, पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें दे रखी है तो कंपनी यहाँ पर काफी बेहती नजर आती है कैपेक्स में भी कंपनी यहाँ पर पैसे पर खर्च कर रही है द कंपनी सेटिंग अप अपीसी एंड सी पी वी सी रेजन प्लांट्स एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय फाइन शेयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो दो हजार बाईस दो हजार तेईस तक ये दो का पर्टिकुलर रीजन प्लांट यहाँ पर्यूट होना शुरू हो जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी पर सब कुछ ऑलरेडी दे रखा डी मर्जर होता हुआ दिखाई दिया था और डी मर्जर के बाद ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप हो दिखाई दी थी और मैंने आपको बीच में ये वीडियो जब यहाँ पर शेयर ये तीन सौ पे चल रहा था तब आपको बना के भी दी थी उसके बाद ये थाउजेंड तक गया और अभी एक गिरावट आ रही है तो यहाँ पर हाँ, दूसरे स्टॉक चार परसेंट पांच परसेंट गिर रहे ये स्टॉक्स केवल कभी दो uh, परसेंट कभी तीन परसेंट या देखिए गिरावट सब में है क्योंकि एफ बेच रहे हैं तो यहाँ पर गिरावट हो रही है और ऐसे स्टॉक्स ही गिरावट में आपको बाइंग करनी है स्मॉल कैप कंपनी है तीन हजार एक सौ नब्बे करोड़ थ्री थाउजेंड वन एटी नाइन करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है सत्रह के पी .E. पे मिल रहा है इंडस्ट्री का तैतीस पी है मतलब सस्ता ही शेयर मिल रहा है यहाँ पर डेट की बात करें कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है थोड़ा एक सौ चौवन परसेंट का डेट है और दस की फेस वैल्यू भी है और इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं

बट कंपनी के पास बोरिंग भी उसी हिसाब से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अगर बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में कंपनी के पास तीन सौ उन्नीस करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं और जब ये पूरे के पूरे पैसे यहाँ पर फिक्स uh, एसेट में एड होते हुए नजर आएंगे पूरा इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च खत्म हो जाएगा ओके okay, और जब फिक्स एसेट में लग जाएंगे तो याद रखिये ये जो नंबर है ये नंबर और चेंज होते हुए नजर आएंगे और कंपनी को और अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा कैश की बात करें कंपनी के पास कुछ खास कैश नहीं है इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर यहाँ पर देख सकते हैं 71.19% शेयर है थोड़े से शेयर यहां पर प्रमोटर्स ने बेचे हैं बट नॉट एन इशू वही शेयर यहाँ पर एफ लिया ने अपनी यहां पर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एफ में पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ट्वेंटी सेवन बट ट्वेंटी में बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे एम एफ एमानी फिनकै की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि मैं आप और आपको बता रहा था जब से

तो याद रखिए गिरावट होती है नजर आएगी जो कि इसे सात सौ रुपए और उसके बाद अगर हम बात करें तो साढ़े छह सौ रुपए का एक लेवल बनता हुआ नजर आएगा जो कि यहाँ पर एक बेहतरीन लेवल नजर आता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर गिरावट के लिए भी तैयार तो रही है सौ रुपए के आसपास की यहाँ पर गिरावट हो सकती है क्योंकि मार्केट गिर रही है बट अगर हम बात करें यहाँ पर का शेयर की कि शेयर यहाँ पर कहाँ तक भाग सकता है तो जैसे कि आप देख सकते देख सकते ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का नंबर काफी बेहतरीन है और बेहतरीन के साथ साथ यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कप कप बनने के साथ साथ यहाँ पर हैंडल और जब ये कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि ये शेयर कितना यहाँ पर आपको रिटर्न दे सकता है तो इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर दोबारा ले लेते हैं एक बार तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी कि ये कितना हमें रिटर्न दे सकता है तो ये रिटर्न अभी के नहीं होंगे कि हाँ अभी ही ये चार्ट पैटर्न बन रहा है तो ये ये तुरंत के तुरंत के मिलते हुए हुए नजर आएंगे सुधर और लेटर रिटर्न्स बनते तो लगभग पचपन सौ पंद्रह सौ चौवन रुपए के यहाँ पर रिटर्न्स नजर आते हैं जो कि यहाँ पर लगभग डबल ही होता हुआ नजर आता है कि ये शेयर यहाँ से सीधे डबल जाने की पूरी संभावना है कि यहाँ पर शेयर आपको डबल होता हुआ नजर आएगा तो लगभग नाइन्टी सेवन नाइंटी एट हंड्रेड परसेंट के यहाँ पर रिटर्न के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं बट एक चीज याद रखिएगा जब तक रिजल्ट बढ़िया है कंपनीज के तो यहाँ पर शेयर भागते रहेंगे बट जैसे ही रिजल्ट बेकार आए तो चीजें भी उसी हिसाब से गिरती हुई नजर आ सकती है तो इसे अपने माइंड पर रखिएगा बट शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट अच्छे खासे है जैसे ही मार्केट यहाँ पर कुछ दिनों में जब भागना शुरू करेगी तो याद रखिए ये शेयर सबसे पहले भागेगा और यहाँ पर कोशिश करेगा ये लगभग लगभग इस लेवल तक पहुंचने के लिए और इस लेवल को अगर निकालता है तो एक अच्छी खासी रैली होगी उसके बाद यहाँ पर जैसे थाउजेंड का लेवल निकालना है थाउजेंड का लेवल निकालना तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली होगी बट आपको ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है आपको केवल और केवल पच्चीस से तीस परसेंट और बीस से तीस परसेंट के बीच में ही रिटर्न लेके अब चुपचाप निकलना है और उसके बाद रिजल्ट का वेट करना है उसके बाद यहाँ पर आप सोच सकते हैं इसके अलावा एक और कंपनी से रिलेटेड हम बातें करेंगे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है गुजरात एल एंड कंपनीज तो यहाँ पर हम बात करें ये शेयर छह सौ पच्चीस रुपए पे चल रहा है और यहाँ पर इस शेयर की भी बात करें तो कास्टिक सोडा में कंपनी काम करती नज़र आती है आ, इससे पहले भी मैंने यहाँ पर ये कंपनी से आपको रूबरू काफी बार कराया है अगेन यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के यहाँ पर कास्टिक सोडा लिक्विड क्लोराइन एज वेल एज यहाँ पर क्लोर क्लोरो मिथेन्स हाइड्रोहाइड्रोजन परोक्साइड प्रो, प्रो, कास्टिक कौ, पोटाश लाई लाई एंड फ्लेक्स में कंपनी एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉस्फोरिक एसिड एटसेट्रा ये कंपनी ये पर्टिकुलर केमिकल्स में कंपनी काम करती हुई दिखाई दे सकती है जो कि यहाँ पर इनके बारे में आप यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं कंपनी कैपेक्स में पैसा खर्च कर रही है इसके अलावा अगेन स्मॉल कैप कंपनी है ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की मत सोचिएगा क्योंकि कभी भी धोखा भी मिल सकता है डेट की बात करें तो लगभग डेट फ्री कंपनी है ग्यारह परसेंट की डेट है ज्यादा डेट भी नहीं है और पी की बात करें बारह के पी पे चल रहा है जहां तैतीस का इंडस्ट्री पी है बड़ा सस्ता यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू सात सौ है बुक वैल्यू सात सौ चौहत्तर और उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है तो मतलब सात सौ चौहत्तर तो, तो शेयर को जाना ही है मतलब बड़ा सस्ता ही शेयर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, ओके किस तरीके से यहां भागा था उसके बाद एक गिरावट हुई और अभी भी एक मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है क्यों मिलता हुआ नजर आया वो चार्ट पे आएंगे तब बताऊंगा बट उससे पहले कुछ चीज बता देता हूँ कि क्यों भागता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स अच्छे खासे थे यहाँ पर मार्च दो तक उसके बाद एक लगातार गिरावट हुई जस, और फिर यहाँ पर पेंडमिक आया फिर उसके बाद लगातार यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आ रहा पिछले बारह महीने की बात बारह क्वार्टर की बात करें तो हाइस्ट एवर यहाँ पर सेल्स आई है थाउजेंड की जो की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और प्रॉफिट की बात

वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी इंटेंजिबल एसेट इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी के आ, तो यहाँ पर काफी कंपनी प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट तेईस करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कैश भी अच्छा खासा है लगभग दो करोड़ का कैश है इसके अलावा शेयर वोल्टिंग पैटर्न की बात करें तो एज इट इज यहाँ पर बढ़ रही है इस बार भी हो गई है डी आई एस की बात करें डी आई एस एज इट इज बने हुए सिक्स थ्री और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग पचास परसेंट की हिस्सेदारी है पचास में ही बड़े बड़े ग्रुप ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले, ले रखी है और पर्टिकुलर एक ग्रुप है मेरिडियन कैम बॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने 1.36 परसेंट की हिस्सेदारी ये लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ाती हुई दिखाई दी है तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है तो गुजरात एल के अगर हम चार्ट पैटर्न पे जाते हैं तो आपको चीजें यहाँ पर समझ में आएगी कि, कि किस तरीके से ये शेयर बार बार बोल रहा है कि चीख चीख के बोल रहा है मुझे आपको लेना चाहिए मुझे आपको लेना चाहिए तो देखिए यहाँ से एक अच्छी खासी रैली इसी इन्हीं लेवल से यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी एक कंसोलिटेशन था उसके बाद चीजें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दी उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई इस वजह से ये में वरना यहाँ पर आ, अच्छे रिजल्ट की वजह से शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा था अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और जैसे ही मार्केट एक एक रिकवर की मोड पे आएगी एज एज वेल धीरे से जोन में जाएगी तो ये शेयर दोबारा यहाँ पर पंप होना शुरू हो जाएगा और ये शेयर दोबारा भागना शुरू हो जाएगा तो याद रखिए ये ऐसे लेवल पे अगर ये शेयर मिलते हैं तो आपको यहाँ पर बाइंग करने बाइंग करने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए एक कंसोलिडेशन की बात करें तो एक लंबा कंसोलिडेशन भी हो गया है शेयर बार बार यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है और बेहतरीन सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर यह सपोर्ट बेहतरीन नजर आता है छह सौ रुपए के आसपास का और करेक्ट लेवल बता दे तो छे सौ तो लगभग अगर एट से शेयर नीचे जाता है याद रखिए पांच सौ अठानवे से शेयर नीचे जाता है तो एक गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है जो कि इसे सबसे पहले यहाँ पर इस लेवल पर लेके ले जाएगी जो कि करेक्ट लेवल क्या है 569 और उसके बाद थोड़ी सी और गिरावट होने के चांसेस है बट अगर गिरावट होती है अगर देखेंगे तो तीन परसेंट की गिरावट इससे पहले की अगर बात करें दो परसेंट की गिरावट जहाँ पर 5, 5, गिर गिर क्यों? यहाँ पर दूसरे शेयर पांच पांच छह छह परसेंट गिर रहे हैं दो परसेंट तीन परसेंट गिर रहा है क्यों क्योंकि यहां पर शेयर बाइंग बाइंग भी उसी तरीके से होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर भी चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कप विध हैंडल पैटर्न कह सकते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं जो कहना है आपको कह लीजिए एक को थोड़ा सा ही फर्क होता है ज्यादा फर्क नहीं होता एक कप कब हैंडल पैटर्न और इसके हिसाब से अगर टारगेट की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म की अलग बताऊंगा लॉन्ग टर्म की अलग बताऊंगा तो लॉन्ग टर्म के टारगेट यहाँ पर नजर आते हैं इलेवन फोर्टी के आसपास के बट इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसे अपना हाएस्ट लेवल लेवल को निकालना पड़ेगा जो की आठ है एट के लेवल को अगर निकाल लेता है जो की यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा लेवल है हाएस्ट लेवल एट तो 846 के लेवल को अगर ये निकालता है उसके बाद एक रैली होती हुई नजर आएगी बट उससे पहले आपको ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना क्योंकि रिजल्ट क्या आएंगे थोड़ा बहुत क्रूड की वजह से शायद केमिकल कंपनी के रिजल्ट अच्छे ना आए तो इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखना है तो हमें उससे पहले ही याद रखिए उससे पहले ही हमें लगभग 25 से 30 परसेंट के जब हमें रिटर्न मिल जाए अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं और शेयर अगर हमारा इस लेवल तक चले जाता है लगभग 794, फोर एट हंड्रेड के आसपास से के बीच में हमें यहाँ पर निकल जाना है आपको सात सौ तीस से लेके याद रखिए सात सौ नब्बे के बीच में आपको यहाँ पर जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट और एक कैंडल बन जाए गिरने वाली याद रखिए इस तरीके की कोई जब भी रेड कैंडल बनती है ना तो समझ लीजिए गिरावट होगी तो यहाँ पर गिरावट अगर हो तो चुपचाप यहाँ से फिर निकलना है आपको बट अगर यहाँ से इन्वेस्ट करते स्विंग ट्रेड करते तो 20 से 30 परसेंट के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं साफ बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना है दूसरों के कहने पर आपको कुछ नहीं करना है खुद की स्टडी करनी है और जितना हो सके सपोर्ट करना लाइक करना कमेंट करना और हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस